जो है वो उस तरह से आगे लेके जा रहे हैं। वैसे तो खैर आप लोग हथियार भी लेते हैं उनसे, लेकिन जी अब जो योएल की बात हो रही है इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए आरजू जी, ये ऑन ए सीरियस नोट आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और इसमें काफी कंफ्यूजन है क्या। अब लोग इसको देख रहे हैं यूक्रेन की वॉर के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको याद हो, जब पुतिन साहब यहाँ आए थे तब हमने इस पर डिस्कस किया था, तब हमारे 29 एमओयूज हुए थे। उनमें पहली बार एक एमओयू, उसे मैंने आपको बोला था, हुआ था ऑयल पे, और इंडियन ऑयल ने एमओयू किया था एक रशियन कंपनी से। तो ऑयल लेने की कवायद तब शुरू होती है जब पुतिन साहब यहाँ आते। ये यूक्रेन की लड़ाई वड़ाई है, अमेरिकन अमेरिकन से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप अब यूएसएसआर की इकोनॉमी को देखें आरजू जी, उसके दो पिलर है। देखिए पहली बात, रशिया जो है केवल 14 करोड़ की आबादी है, 1.4 ट्रिलियन का जीडीपी है। अभी पुतिन के पास 630 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, दूसरी जो बहुत ज्यादा होता है इस आबादी, और उनके पास इतना मिनरल और वेल्थ है कि रिचेस्ट मिनरल वेल्थ है रशिया में। तेल, अपना तेल की एक प्रॉब्लम है रशिया की, जो एक्सट्रैक्शन करते हैं वो टेक्नोलॉजी काफी पुरानी, उन्हें कहते हैं वो जो रिफाइनरीज होते हैं उन्हें टी कैटल्स कहते हैं, बहुत पुराने स्टाइल की रिफाइनरीज है उनके। जैसे अमेरिकन का हेलिबर्टन का ले ले या अमेरिकन कंपनीज का ले ले शेल का, वैसे उनका ऑयल एक्सक्रूशन का प्रोसेस नहीं है, क्योंकि वो उनका कोई प्राथमिकता नहीं रही है। अब इनकी जीडीपी चलती है हथियार बेच के और तेल बेच के। मैं हमेशा से अपने गवर्नमेंट पे, यहाँ नेशनल टीवी पे काफी डिबेटों में कहता रहा, यार आप पुतिन को आप हथियार और तेल की गारंटी तो वो आपसे दोस्ती करता रहेगा। तो ये मैंने काफी, मैंने कहा हम पुतिन से तेल क्यों नहीं लेते, हम दुनिया भर से तेल लेते। अभी परिस्थिति है अर्जु जी, 85% 85% हम तेल इम्पोर्ट करते हैं, जबकि हम हर साल 3 से 5 कुएं खोद देते हैं। एक कुआं खोदने में मोटा मोटा, नॉट गेटिंग इन टेक्निकलिटीज, एक कुआं खोदने में 300 से 500 करोड़ लगते हैं। तेल निकला निकला नहीं निकला नहीं निकला, पर एवरेज है कि अगर 5 में से 1 आध में भी निकल जाता है तो सारा खर्चा पानी निकल जाता है। हम भी अपना तेल ढूंढ रहे हैं, बट हकीकत यह, चाइना के बाद वी आर द नंबर 2 एनर्जी इंपोर्टर्स इन द वर्ल्ड। अगर आप इस इक्वेशन में करीब 1 साल पहले जाए, 1 साल पहले नंबर 1 सप्लायर था सऊदी अरबिया, ठीक है जी। धीरे धीरे इक्वेशन बदलती गई, आज नंबर 1 सप्लायर है यूएसए। यूएसए इज नाउ ऑयल सरप्लस, ऑयल एक्सपोर्ट करता है। नंबर 2 नाइजीरिया है, नंबर 3 ये थोड़ा आगे पीछे चलते रहते, नंबर 3 इराक है, नंबर 4 स्टेज पे आ गया है सऊदी अरब। अब जो यूएस के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है करीब 20 से 25 बिलियन डॉलर, उनका ये कहना होता है भाई आप हमसे कुछ और चीजें ले लो। अब जब आप ऑयल किसी से लेते हो तो आपको अपने रिफाइनरी के स्टैंडर्ड्स, कुछ मशीनरी या कुछ जो इक्विपमेंट होता है उनको अपग्रेड करना होता है। हर क्रूड हर जगह का सेम नहीं होता, तो अगर आप अमेरिकन क्रूड लेंगे तो कुछ और चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट से क्रूड आता रहा वो सालों से आता रहा, तो उसका हर एक के पास सिस्टम है। पीछे रिलायंस ने अपग्रेड की थी अपनी रिफाइनरी फॉर अमेरिकन, तो काफी लोगों ने कर ली। अब जो इंडियन ऑयल, आप जानते हैं इंडियन ऑयल इज अ गवर्नमेंट रन पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंड की, जब वो करती है तो अब पीछे जो टाइम था वो लगा भाई ये सब हिसाब किताब बिठाने का, जो चेंजेस मशीनरी में करनी है। अभी एडवांटेज क्या हमें मिला, अभी एडवांटेज दूसरा मिला, रशिया ने कहा यार मैं आपको ना अभी जो आपको पता होगा यूक्रेन के वॉर के बाद प्राइस बढ़ा है क्रूड का, तो अब उन्होंने बोला यार हम आपको बाजार के रेट पे देंगे, डिस्काउंट पे भी देंगे। दूसरा आपको याद होगा 2 महीने पहले हमने बात की थी कि सडनली 22% क्रूड का प्राइस गिरा था, तब चाइना अमेरिका और इंडिया ने 5% रिजर्व निकाल दिया था, क्योंकि MBS जो है सऊदी अरबिया वाले, उन्होंने बोला यार मैं और तेल नहीं निकालूंगा, मैं आई वॉन्ट, कह रहे मुझे जो बाइडन से बिटिंग करा तब मैं डिसाइड करूंगा क्या करूंगा। तब 22% क्रूड के प्राइस गिर गए थे वर्ल्ड बिकॉज रिजर्व, सब तीनों बड़ी कंट्रियों ने रिजर्व रिलीज किया, तो MBS थोड़ा हिल गए थे यार ये क्या हुआ, मतलब मैं कैसे इन्होंने कर दिया भाई, ये वैसे तो इनके आपस में बनती नहीं, ये कहाँ से बन गई। तो फिर ये यूक्रेन वाला मसला हो गया, यूक्रेन वाले मसले में तेल फिर बढ़ गया। अब रशिया आता है इसमें, कहता है कि भाई मैं आपको डिस्काउंट भी दूंगा। अब यहाँ मुद्दे की बात ये है आरजू जी, जो रशियन तेल होगा जो अभी हमने जिसकी जिस लेवल की भी बात करें, इट्स केवल 1.5%। इंपॉर्टेंट थिंग इज केवल 1.5% जितना हम इम्पोर्ट करेंगे उसका 1.5% अभी रशिया से आएगा। बट मजे की बात यह है कि अगर आज 1.5 है कल को ये 15 भी हो सकता है, 30 भी, तो एक नई कवायद, उर्दू में जो कहते हैं नई कवायद शुरू। अब रशिया को हम, अब अमेरिका ने हमारा काम थोड़ा और आसान कर दिया, पहले उनको स्विफ्ट रूप से निकाल दे तो अब रशिया से हम लोकल करेंसी में भी डील कर सकते हैं, पहले भी रुपी ट्रेडिंग करते थे, रुपी ट्रेडिंग में हमें बहुत फायदा है तेल लेने से। क्योंकि मैम ने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि स्विफ्ट से रशिया को हटाने का मतलब है आप उसको चाइना से पास ला रहे हो। अब चाइना, अब कुछ लोग कहते हैं कि अब जैसे लास्ट टाइम मैं आपके पाकिस्तान के एक चैनल पे था, उन्होंने बोला कि भाई आप डील कैसे करेंगे, अगर आपको 20 बिलियन का मान लीजिए बिजनेस हमारा रशिया का था,
मैं को बोलेगा पार्टी के जी 5 बिलियन रुपयों में दे दो, 2 बिलियन दिनार में दे दो, 1 बिलियन सिंगापुर डॉलर में दे दो, 1 बिलियन कैनेडियन डॉलर में दे दो, ऐसे ऑप्शन बन जाते हैं क्योंकि पूरा रुपी ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं होती। तो ये सब चीजें हम हमारे पास विकल्प है और हम पहले भी रशिया के साथ रुपी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अब ये जो एक नई शुरुआत हुई, अब इसमें अमेरिका में थोड़ा हड़कंप इसलिए मच गया कि रशिया के पास क्रूड बहुत है, आपने लगा दिया उस पर सैंक्शन, रशिया का आपने मार्केट कर दिया बंद। अब कितने लोग ले सकते तेल, हम लेंगे, चाइना लेगा, एक आध कंट्री और लेगी, और तो कोई लेगा नहीं। और तेल के दो ही बड़े इंपोर्टर है, या चाइना, चाइना ने पर आपको याद होगा ईरान के साथ एक $500 बिलियन का 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा तेल का, तो चाइना की काफी तेल वहां से आ जाता है। अब ये जब इक्वेशन बनी तो सऊदी अरब भी परेशान, या अपना इराक भी थोड़ा परेशान, नाइजीरिया भी परेशान, और यूएसए भी परेशान, कहते यार अगर आज चलो आज 1.5% है, कल को 10-15% पहुंच गया तो किसी न किसी का धंधा तो हिलेगा ना, बिजनेस तो, और जानते हो ऑयल इज मनी, ब्लैक गोल्ड कहते हैं ऑयल को, तो इसीलिए अमेरिकन भी परेशान है। और पुतिन को क्या लग रहा है कि ठीक है यार मेरे तेल की एक सेट्स मार्केट है, हथियार हमारा 60% आर्सेनल अब भी चाइनीज, सॉरी अब भी रशियन है, इसमें कोई डाउट नहीं, सारी दुनिया को पता, तो वेपन वाइज वी हैव लॉट ऑफ डिपेंडेंस ऑन रशिया और बाकी चीजों पर भी हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अगर अब तेल भी आता तो एक रिलेशन को नई लेवल पे ले जाता, और जितना रशिया के साथ तेल बढ़ेगा कोई ना कोई डिस्टर्ब होगा, किसी ना किसी का हिस्सा घटेगा। अब जो आपका सबसे बड़ा सप्लायर है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसको लग रहा है यार अब सबसे ज्यादा तो मेरा ही घटेगा क्योंकि सबसे ज्यादा शेयर मेरा है, और भाई काम तो आप ही ने कर दिया, आप ही ने रशिया को स्क्रिप्ट से निकाल दिया, रशिया की मार्केट सिमट गई, रशिया ने हमें डिस्काउंट दे दिया। मैं तो कह रहा हूँ बाकी को भी डिस्काउंट देना चाहिए भाई, अगर अमेरिका हो, नाइजीरिया वाले हो, इराक वाले, सबको डिस्काउंट देना चाहिए। देखिए ओपन मार्केट है, अगर हम सबसे नंबर टू इंपोर्टर है चाइना के बाद, तो आप हमें डिस्काउंट दें, आप कोई डील दें, हम आपसे भी लेते रहेंगे। पर अब ये रशिया के साथ कहने का पॉइंट ये आरजू जी, जो इसमें मिसकॉन्सेप्ट हो रहा है यूक्रेन वॉर से मिला के देख रहे हैं, ये तब कवायद हुई थी, ये एमओयू तब साइन हुआ था जब पुतिन साहब